योगीराज भी दिन दहाड़े बदमाशों ने लूटपाट की घटना को दिया अंजाम। बेखौफ लुटेरे महिला की चेन लूटकर हुए फरार। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रियों की बैठक, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल हुए शामिल। लखनऊ में आगामी आईपीएल मैचों को लेकर डीएमए की बैठक, पार्किंग ग्राउंड मैनेजमेंट की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। यूपी की 80 सीटों पर बीजेपी का फोकस, बूथ सशक्तिकरण से अभेद्य किला ढहाने की तैयारी में जुटी भाजपा। लखनऊ में 18,000 रोडवेज कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, 11% महंगाई भत्ता बढ़ाने को मिली मंजूरी। लखनऊ के निकाय चुनाव में ओबीसी की हिस्सेदारी तय करने का मामला, मामले में सुप्रीम कोर्ट 24 मार्च को करेगा सुनवाई। महाराजगंज के इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे गांव में मिला बारूद जैसा पदार्थ, विस्फोट जैसा सामान मिलने से क्षेत्र में मची सनसनी। गोंडा में बिजली कर्मियों का बड़ा आंदोलन, चीफ ऑफिस पर बिजली कर्मियों ने दिया धरना। आलिया भट्ट ने दिखाई बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक, एक्ट्रेस ने पति रणवीर कपूर और फैमिली संग दिए प्यारे पोज। यूपी में बदला मौसम, लखनऊ आगरा समेत जिलों में अगले 4 दिन तक होगी बारिश।